आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दें, पीएम ने आज राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी पर करारा हमला भी बोला। मोदी ने महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर भी बयान दिया। आगे आपको बता दें कि मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चमचे की बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। इमरजेंसी का कलंक भारत पर न होता। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। कांग्रेस ना होती तो जातिवाद से लेकर क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। आगे मोदी ये भी कहते हैं कि सिखों का नरसंहार ना होता और सालों साल पंजाब आतंकी आग में ना जलता। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।